नमस्कार किसान मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत है खेती किसानी चैनल में। मैं आज आपको स्प्रिंकलर सिंचाई के विषय में कुछ जानकारी देना चाहता हूं, जिसे हम फव्वारा सिंचाई भी कहते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे खेत में इस समय सिंचाई चल रही है फव्वारा विधि से, स्प्रिंकलर से। और चूँकि अब इसकी बाली की अवस्था आ गई है और हम इसमें स्प्रिंकलर विधि से पानी दे रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों कि ये स्प्रिंकलर विधि से अर्थात फव्वारा विधि से जो सिंचाई चल रही है उसके बहुत सारे फायदे हैं। यदि हमारी ज़मीन ऊंची नीची भी होती है, वैसे तो हमारी यहाँ बिल्कुल समतल ज़मीन है, लेकिन अगर किसी की ज़मीन ऊंची नीची भी होती है तो ऐसी ज़मीन में हमको फव्वारा विधि से ही करना चाहिए, क्योंकि एक समान पानी जाता है और एक समान ही उसमें हर पौधे को पानी मिलता है और ज़मीन भी बहुत अच्छी तरीके से गीली हो जाती है और अच्छी सिंचाई होती है। तो दोस्तों फव्वारा विधि से करने से एक तो हमें ये भी फायदा होता है कि इतना हमें ये जानकारी में रहता है कि कितना क्षेत्रफल हमारा सिंचाई हो चुका है और कितना हमारा क्षेत्रफल सिंचाई से वंचित रह गया है। चूँकि इसमें हम देखते हैं कि एक जो स्प्रिंकलर होता है वो लगभग 20 फीट तक पानी फेंकता है, और लगभग जब 20 फीट तक पानी फेंकता है तो 20 फीट इस तरफ उसका 20 फीट का एक जो सर्कल होता है वो 20 फीट का एक सर्कल बना लेता है। और इस 20 फीट के सर्कल में हमको ये निश्चिंत हो जाते हैं कि हमारा पानी इतना हो चुका है। और फिर जितने भी घंटे की शिफ्ट हम चला रहे हैं, 6 से 8 घंटे की 8 से 10 घंटे की या 10 से 12 घंटे की, उस हिसाब से हम फिर उस शिफ्ट को चेंज कर सकते हैं और बिल्कुल समांतर पानी हमारा फव्वारा विधि से होता है दोस्तों। और फव्वारा विधि से पानी देने के हमको और भी अनेक फायदे हैं। हम इसमें उर्वरक भी साथ में फव्वारा विधि से हमारे पाइपलाइन से ज्वाइंट करके इसमें दे सकते हैं, साथ ही कीटनाशकों का प्रयोग भी हम कर सकते हैं। और जब हम इनका प्रयोग करते हैं तो निश्चित रूप से हमें बहुत फ़ायदा मिलता है, क्योंकि हमें अलग से कीटनाशक दवा डालने की या फिर उर्वरक, जैसे हम जिंक डालना चाहें, पोटास डालना चाहें, सल्फर डालना चाहें, तो वो हर उर्वरक हमको लिक्विड फॉर्म में भी मिलता है और उसको हम फव्वारा विधि के माध्यम से अपनी फसलों में एक समान दे सकते हैं। इस विषय में हम आपको और विस्तृत जानकारी किस प्रकार से उर्वरकों को या कीटनाशक को फव्वारा विधि से ज्वाइंट करना है और किस तरीके से हमको फव्वारा विधि के माध्यम से अपनी ज़मीन में उर्वरक या कीटनाशक दवा छिड़कनी है, इसके विषय में भी हम आपको दूसरे वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों स्प्रिंकलर विधि से आपको यदि सिंचाई करने का अवसर मिलता है तो आप निश्चित रूप से ज़रूर करें। और फव्वारा विधि में आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि स्प्रिंकलर के लिए लगभग देश की सभी जितनी राज्य सरकारें हैं वो भी अनुदान और देती हैं, केंद्र से और राज्य से दोनों से ये अनुदान आता है, तो आपको इसमें अनुदान भी मिलेगा। इसकी जानकारी आप अपने नज़दीकी कृषि विभाग से ले सकते हैं, तो आप इसको अनुदान पर लेकर के और अपने खेत में फव्वारा विधि के माध्यम से सिंचाई कर सकते हैं। फव्वारा विधि हर प्रकार से लाभदायक है और इस फव्वारा विधि को आप ज़रूर अपनाएं दोस्तों, और जिससे हमारी जो सिंचाई है वो समानांतर हो, हर पौधे को बराबर हो और कहीं ज़्यादा कम ना हो और पानी का भराव भी नहीं होता। इस प्रकार से बहुत सारे फायदे हैं फव्वारा विधि से सिंचाई करने के। धन्यवाद दोस्तों, आप इसी तरीके से मेरे वीडियोस देखते रहें, और यदि आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो कृपया सब्सक्राइब और कमेंट और लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय किसान।